क्या आपने कभी 36 घंटे में किसी रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म को बनते देखा है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश में एक एक प्लेटफॉर्म की मंजूरी में सालों साल लग जाते हैं, वहां सिर्फ 36 घंटे में रेल ट्रैक को हटाकर प्लेटफॉर्म की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है? भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब ये सच हो रहा है। द ड्राफ्ट में आज हम आपको भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म बनाने के रेडीमेड तरीके को दिखाने वाले हैं, वो तरीका जो भारत में संभवतः पहली बार उपयोग में लाया गया है। लेकिन उससे पहले फटाफट और खटाखट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो खटाखट लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए। आज जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई के CSMT और ठाणे रेलवे स्टेशन का है। वो ठाणे जो देश के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में से एक है और इकोनॉमिक एक्टिविटी में देश के डायमंड सिटी सूरत के बराबर है। दरअसल मुंबई में रेलवे के चार बड़े कॉरिडोर हैं, मेन लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन और उरण लाइन। इन रूट्स पर हर दिन 1800 से ज्यादा लोकल ट्रेनें चलती हैं, जिसमें करीब 30 लाख से अधिक यात्री हर दिन सफर करते हैं। 30 लाख यानी फिनलैंड जैसे देश की आधी आबादी से ज्यादा। इसे ऐसे समझिए कि भारत में कुल 4000 शहर हैं और सिर्फ 40 शहर ऐसे हैं जहां की आबादी 30 लाख से ज्यादा है, यानी इतनी बड़ी आबादी इस रूट पर हर दिन सफर करती है। मुंबई में रेलवे के इस रूट वाले प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ होती है कि कई बार लोग रेलवे ट्रैक पर गिर जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। इसे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला रूट कहा जाता है। इससे निपटने के लिए रेलवे ने इन रूट्स के प्लेटफॉर्म को चौड़ा करने की प्लानिंग की, लेकिन समस्या ये थी कि प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण के लिए ट्रेन को रोकना होता और काम लंबा चलता, जिससे लाखों लोगों को हर दिन परेशानी होती। ज्यादा दिनों तक इस रूट को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। फिर सवाल उठा कि ये होगा कैसे। काफी प्लानिंग के बाद रेलवे ने प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण का रेडीमेड फॉर्मूला निकाला। पहले फॉर्मूले में ये तय किया गया कि कम से कम समय के लिए ट्रेन पर ब्रेक लगे, यानी इस रूट की कम से कम ट्रेनों को कैंसिल किया जाए। दूसरे फॉर्मूले के तहत प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण में इस्तेमाल स्लैब्स को बनाया कहीं और जाए, यहाँ लाकर सिर्फ उन्हें फिट किया जाए, जिससे समय की बचत हो। कई महीनों की तैयारी के बाद इस प्लान के अनुसार काम शुरू हुआ। सबसे पहले चौड़ीकरण में इस्तेमाल होने वाले स्लैब को कहीं और बनाया गया। इसके बाद दो चरणों में काम शुरू किया गया। पहले ठाणे रेलवे स्टेशन के दो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ। फिर मुंबई के CSMT प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 पर चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया। ठाणे रेलवे स्टेशन पर 30 मई की रात को काम शुरू हुआ और 63 घंटे का टारगेट सेट किया गया, जबकि CSMT रेलवे स्टेशन पर 31 मई की रात को काम शुरू हुआ और सिर्फ 36 घंटे में काम खत्म करने का टारगेट सेट हुआ। ठाणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर 63 घंटों के लिए और मुंबई के CSMT प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 पर ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। इसके बाद काम शुरू हुआ और सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर JCB मशीन की मदद से ट्रैक को शिफ्ट किया गया। एक साथ इतने लंबे ट्रैक को शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ ट्रैक की शिफ्टिंग होती रही, दूसरी तरफ रेडीमेड स्लैब डालते चले गए। चौड़ीकरण में इस्तेमाल ब्लॉक की सबसे खास बात ये है कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर वाटर पाइप वर्क और वायरिंग भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि लगातार 63 घंटे तक काम चलता रहा और 2 जून यानी आज दोनों रेलवे स्टेशन पर काम खत्म हो गया। आमतौर पर ऐसे काम को पूरा करने में 6 महीने लगते हैं। सेंट्रल रेलवे समय पर काम पूरा करने के लिए प्री कास्ट ब्लॉक के साथ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म निर्माण तकनीक का उपयोग कर रहा है, जो संभवतः भारतीय रेलवे के लिए पहली बार हुआ। वैसे 2014 के बाद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में स्पीड बढ़ी है। सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट और रेलवे ने इसके कई उदाहरण पेश किए हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का काम हुआ था। 100 घंटे में बनी 112 किलोमीटर की सड़क एक विश्व रिकॉर्ड है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2021 में दावा किया था कि मात्र 36 घंटे में ताज पूर्वी मेट्रो स्टेशन की छत तैयार कर ली गई थी। द ड्राफ्ट के इस शॉर्ट वीडियो के जरिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत बड़े स्केल और तेज स्पीड के जरिए काम कर रहा है।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, परिवार और दोस्तों को भी शेयर करने के लिए कहिए। और आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स खरीदकर या फिर यूपीआई के जरिए, ये मदद संभव है।